सांसदों के निलंबन पर आज विपक्षी बैठक होनी है। मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में ये बैठक होगी। बिल्कुल, संसद सत्र का बहिष्कार कर सकता है विपक्ष। साथ ही आपको बता दें कि विपक्ष के जो तमाम सांसद हैं जिनका निलंबन हुआ है उसको लेकर भी चर्चा होगी। संसद में हंगामा करने की वजह से निलंबन हुआ है और लोकतंत्र के लिए ये काला दिन बताते हुए तमाम विपक्ष के नेता, इस पर चर्चा संभव। प्रश्न के अंग बने, मंत्री अभी प्रस्ताव करेंगे। नेम सीरीज जेरे को ब्रेन आई हैव ऑनरेबल मेंबर्स नो ऑप्शन। मैं आप सभी माननीय सदस्यों को नेमिंग कर रहा हूँ। हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, कृपया आप बड़े मन करके घर को सदन चलाइए। माननीय लोकसभा अध्यक्ष को 33 माननीय सांसदों को सस्पेंड करना पड़ा। जब काला दौर होता है ना तो तानाशाह को ऐसी ही संसद चाहिए। आप सबने कहा था तकिया लेकर नहीं आएंगे। शो, नारेबाजी, हाथों में तख्तियां और नियमों का उल्लंघन। लोकसभा से राज्यसभा अंदर और बाहर तक जमकर प्रदर्शन। सोमवार को सदन की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामे में डूब गए। वजह थी संसद की सुरक्षा में सेंध मारी। विपक्ष ने सरकार से सवाल पूछने के लिए लोकतांत्रिक हक का हवाला दिया, लेकिन आसन ने विपक्षी सांसदों के सवाल उठाने के तरीके को मर्यादा के खिलाफ बताया। लोकसभा और राज्यसभा में शीतकालीन सत्र की कार्यवाही का ये हिस्सा हमेशा के लिए इतिहास का अध्याय बन गया। एक ऐसा अध्याय जिसे भविष्य में पढ़ा तो जाएगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नसीहत के बताओ। दरअसल ये हंगामा इस लेवल के सियासी डेसिबल तक पहुंच गया कि एक साथ रिकॉर्ड तोड़ एक ही दिन में 78 विपक्षी सांसदों को सदन से निलंबित कर दिया गया। सहमति असहमति हमारी लोकतंत्र की विशेषता है, लेकिन असहमति सकारात्मक हो और विरोध भी हो तो हम अपने शब्दों के अंदर विचारधारा के आधार पर विरोध करें। सांसदों का निलंबन संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा में किया गया है। संसद की सुरक्षा में चूक को लेकर तमाम विपक्षी सांसदों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था, लेकिन इनका आचरण सदन के नियमों के विपरीत माना गया। सोमवार को लोकसभा से कुल 33 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। निलंबित सांसदों में कांग्रेस के 11, टीएमसी के 9, डीएमके के 9 और दूसरे विपक्षी दलों के 4 सांसद शामिल हैं। लोकसभा से निलंबित 33 सांसदों में 30 सांसदों का निलंबन पूरे सत्र के लिए किया गया है, जबकि 3 सदस्यों के निलंबन को खत्म करने का फैसला प्रिविलेज कमेटी करेगी। लोकसभा ही नहीं, विपक्ष का हंगामेदार रवैया राज्यसभा में भी बरकरार था और उसका भी वही नतीजा निकला। सोमवार को राज्यसभा से कुल 45 सांसद निलंबित किए गए। इनमें 34 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित किया गया है, जबकि 11 सांसदों की बहाली पर फैसला प्रिविलेज कमेटी करेगी। विपक्ष का आरोप है कि संसद में सेंधमारी पर सवाल उठाने का खामियाजा उसे राज्यसभा में भी भुगतना पड़ा है, लेकिन चेयरमैन जगदीप धनखड़ बेहद नाराज दिखे। नो लेस देन क्राइम अगेंस्ट भारत, वी आर वेपनाइजिंग डिसरप्शन एंड डिस्टरबेंस। 14 दिसंबर को भी लोकसभा से 13 सांसद और राज्यसभा से 1 सांसद का सस्पेंशन हुआ था, यानी अब तक कुल 92 विपक्षी सांसद सदन से बाहर किए जा चुके हैं। जाहिर है विंटर सेशन में सियासी पारा को ज्यादा ही चढ़ गया है। ये सरकार तानाशाही की मतलब चरम शिखर पर पहुंच चुके हैं। अबाउट सेड मेंबर मे काइंडली बी रेफर टू द प्रिविलेज कमिटी एंड दे नीड टू बी सस्पेंडेड टिल द कमिटी गिव्स इट्स रिपोर्ट। संसद में किसी सदस्य के आचरण और व्यवहार को लेकर नियम स्पष्ट हैं। सांसदों से उम्मीद की जाती है कि बाधा पहुंचाए बगैर संसद की कार्यवाही चलने में मदद करें। हालांकि अब इसमें कुछ नई शर्तें भी जोड़ दी गई हैं। मसलन, संसद के अंदर सदस्य नारेबाजी नहीं कर सकते, तख्तियां नहीं दिखा सकते, कोई भी दस्तावेज फाड़ नहीं सकते, साथ ही टेप रिकॉर्डर कैसेट नहीं बजा सकते। लेकिन सोमवार को सदन की तस्वीर कुछ और ही नजर आ रही थी। नारेबाजी भी हो रही थी और तख्तियां भी उठाई गई थी, इसलिए जब निलंबन हुआ तो विपक्ष नेता भाग गए। ये
भाजपा मॉडल है, ये मोदी साहब का मॉडल है, ये राजतंत्र का मॉडल है। जब काला दौर होता है ना तो तानाशाह को ऐसी ही संसद चाहिए कि जहां लोग बकरी मेमने की तरह मैं करते रहे। हालांकि आरोपों का जवाब देने के बजाय बीजेपी ने विपक्ष को वजह सुना दी। माननीय सदस्य प्लैकार्ड लेके दोनों हाउस दोनों सदनों में आए, बार बार अनुरोध किया गया, माननीय सदस्यों को अपील करी गई कि वो अपने सीट पर बैठ के बोले। सोमवार के हंगामे का असर आज दिखना तय है। मुमकिन है कि इसकी शुरुआत बीजेपी संसदीय दल की बैठक से हो। बैठक में प्रधानमंत्री भी हिस्सा लेंगे, जबकि दोपहर 3 बजे विपक्षी दलों का इंडिया कुनबा अपनी चौथी मीटिंग करने वाला है। सांसदों का निलंबन विपक्ष के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है, लेकिन सरकार के लिए आखिरी 3 दिन में अटके विधेयकों पर आसानी से वॉकओवर हासिल करने का मौका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।